गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर 2, 3, 4 अक्षर के शब्दों से बनने वाले वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। ख न क खनक, म ट र मटर, च ख क र चख कर रख, खनक मटर चख कर रख। दूसरा है पन घट, पन घट पर कलश भर, पनघट पर कलश भर। उसके बाद है मदन सर कस चल, मदन सरकस चल। फिर है बदन पर उब टन, उबटन मल, बदन पर उबटन मल। झटपट, झटपट हवन कर, झटपट हवन कर। फिर है रमन कस रत, कसरत कर, रमन कसरत कर। चलो हम इसका दोहरान करते हैं। खनक मटर चख कर रख, पनघट पर कलश भर, मदन सरकस चल, बदन पर उबटन मल, झटपट हवन कर, रमन कसरत कर। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 119 ओपन करेंगे। अभी तक हमने सारे बिना मात्रा वाले वाक्य और शब्दों की ही प्रैक्टिस की है ना, और यहाँ पर भी वही है। चित्र को ध्यान से देखो, दिए गए वाक्य पढ़ो और चित्र के अनुसार सही वाक्य पर सही का निशान लगाओ। जैसे ये चित्र है बस का, और बस में क्या कर रहे हैं लोग, चढ़ रहे हैं ना, तो चलिए पढ़ते हैं। बस पर चढ़ या अब घर चल, इनमें से कौन सा सही वाक्य है? ये बिल्कुल सही, बस पर चढ़, तो यहाँ पे हमें सही का निशान लगाना है। अब दूसरा चित्र देखिए, ये कौन है? ये कोई ऋषि है, और ये क्या कर रहे हैं? ये जप कर रहे हैं। और यहाँ इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है, कसरत कर या जप कर? वेरी गुड, जप कर। यहाँ पर देखिए, ये आंटी क्या कर रही है? पानी भर रही है ना, और ये क्या है? टब। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाक्य सही है, नल पर टब भर या फिर कलश भर कर घर चल। ये टब है या कलश? बिल्कुल सही, ये टब है, तो सही है ये वाक्य, नल पर टब भर। अब यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये तो शायद झगड़ा कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या है, बतख पकड़ या अमत मत झगड़। यहाँ पर सही वाक्य होगा अमर मत झगड़, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं और ये कह रहा है कि तुम मत झगड़ो, तो ये सही वाक्य है। अब ये क्या है, डगर पर चल और सड़क पर मत चल, ये डगर है। डगर और सड़क में हमें कुछ अंतर दिखाई देता है, डगर होती है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, और सड़क होती है सीधी, और उसके बीच में हमें कुछ ऐसी सफेद पट्टी दिखाई देती है, तो ये है डगर, डगर पर चल, ये है सही जवाब। आपको तो पता ही है, मैम ने बताया था ना, ये कौन सी गाड़ी है, टमटम। तो यहाँ पे सही वाक्य बताइए कौन सा है,
टमटम पर चल या फिर पनघट पर जल भर। ये पनघट पर जल भर रहे हैं क्या? नहीं ना, ये टमटम पर चल रहे हैं। तो सही है ये वाक्य। अब आप भी इसी तरह से वाक्य ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।